दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है या फिर जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आपको प्राप्त हुआ है, अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस। अक्सर पुराने वोटर आईडी कार्ड में काफी मात्रा में कमियां देखी गई है, क्योंकि पुराने जितने भी वोटर आईडी कार्ड बनते थे सारे ऑफलाइन प्रोसेस से बनते थे। अच्छा वोटर आईडी कार्ड ना सिर्फ वोटिंग बट इसके अदर्स भी बहुत ज्यादा उपयोग है, जैसे आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर, फोटो पहचान के तौर पर और आपके एज प्रूफ के तौर पे भी वोटर आईडी का उपयोग किया जाता है। इसलिए समय रहते हुए अपने वोटर आईडी कार्ड को अपग्रेड कर लेना ही बुद्धिमानी है। सो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अपने वोटर आईडी कार्ड को किस तरह से अपग्रेड करें, साथ ही साथ अगर आपने अपना वोटर आईडी खो दिया है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करें आपके नाम से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं सर्वेश गुप्ता, टेक गुप्ता हिंदी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे इसको आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस खुलता है। फर्स्ट में आपको एक डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा, इसके बारे में क्या अच्छाई बुराई है उसको दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके। जैसे आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए भी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर, पासवर्ड और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी भी इस ऐप पर अपना अकाउंट बना रखा है तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं बनाया है तो न्यू यूजर पर भी क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप अकाउंट भी नहीं बनाना चाहते हैं तो स्किप लॉगिन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं, विदाउट लॉगिन किए भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ ग्रीटिंग्स लिख के आ रही है। यू कैन डाउनलोड योर ईपिक आफ्टर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यू विल रिसीव ओटीपी ओवर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ यू योर ईपिक। अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिया है तो आप ओटीपी बेस्ड ईपिक नंबर को, ईपिक वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक, जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड हो रहे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया हुआ है तो। यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें बेसिक से अपना वोटर आईडी कार्ड को एडिट करने की बात है, सुधार करने की बात है, तो फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आ जाना है करेक्शन फॉर्म 8 पर। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, जो भी आपका नाम हो नाम फिल कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ और हाइलाइट्स आपको दी जाएंगी, उसको आप पढ़ सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड मौजूद है तो यस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, अगर नहीं है तो सेकंड वाले पर। मैं यहाँ सिर्फ सेकंड वाले पर करूँगा क्योंकि मेरे हाथ में इस समय वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसलिए मैं सेकंड वाले पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, जो नेक्स्ट बटन नीचे बनी हुई है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे नाम, फादर नेम, एज और आपसे अदर्स डिटेल मांगी जाएगी सर्च करने के लिए। आपका वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिए, फादर नेम पूरा फिल कर दीजिए, मेल फीमेल जो भी हो, एज डाल देंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका जो भी चुनावी क्षेत्र हो उसको क्लिक कर लेंगे और उसके बाद फाइंड डिटेल पर क्लिक कर देंगे। फेच डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसे सर्च करेगा ये। फेच करने के बाद जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम रखा है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखा है। सबसे फर्स्ट में आपका नाम दे रखा है, ईपिक नंबर दे रखा है, फिर नाम है, जेंडर है, जो भी आपकी वोटर आईडी में डिटेल होती है सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक करना है अपना वोटर आईडी कार्ड सुधार करने के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास एक और फॉर्म खुल के आएगा, जहाँ पर आपको बताया गया है कि आप क्या क्या चीज़ सुधार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को मैंडेटरी याद रखने की ज़रूरत है कि एक साथ आप तीन काम कर सकते हैं। नाम सुधार रहे हैं तो फादर का नेम भी सुधार सकते हैं, एड्रेस भी सुधार सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम एक साथ सुधार सकते हैं। अगर आप इसमें एड्रेस भी जोड़ना चाहेंगे तो एक साथ इतना डेटा नहीं अपडेट करेगा आपको, बस एक साथ तीन अपडेशन ही मिलेंगे। नाम कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं और फादर नेम कर सकते हैं। तो मुझे बस अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करता हूँ ओनली। यहाँ देखिए आप क्या क्या चीज़ को सुधार सकते हैं। नाम, फोटोग्राफ, ईपिक इशू अगर कोई है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, एड्रेस सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका जो भी रीजनल नाम है, अगर नाम में, अगर इंग्लिश में आपका नाम सही है, हिंदी में गलत है तो उसको भी सुधार सकते हैं। जो आपका रीजनल नाम होता है इंग्लिश के बाद उसको भी आप सुधार सकते हैं। यहाँ पे मैं बस बेसिक सा अपना डेट ऑफ बर्थ सुधारना चाहता हूँ या फिर नाम पर भी क्लिक कर देता हूँ। 3 ऑप्शन को मैं सुधार करके आपको दिखाता हूँ।
नाम ऑफ रिलीवेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको डिटेल भरने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है सुधार करना चाहते हो। जैसे आप अंग्रेजी में लिख के कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपसे हिंदी में ले लेगा वो जो आपका रीजनल लैंग्वेज है हिंदी या जो भी हो। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आपका सरनेम जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ जो आप सुधार करना चाहते हैं, आपका एज 18 वर्ष से ऊपर ही होना चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं कि वोटर आईडी के लिए 18 वर्ष ही मैंडेटरी है। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए एज ईयर ले लेंगे। उसके बाद आपका रिलेवेंट जो भी है फादर नेम जिसको हम लोग कहते हैं, जो टाइटल हो टाइटल लगा देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में देख लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पर सीधा बेसिक सा आधार कार्ड पर सेलेक्ट करता हूँ। चूज ऑप्शन पर जाके आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरे से भी ले सकते हैं, फाइल से ले सकते हैं, गूगल फाइल से, या फिर अगर आपने अपने मेमोरी कार्ड में रखा वहाँ से ले सकते हैं, गैलरी से ले सकते हैं, गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, और गूगल का जो फोटो ऐप है उससे भी आप अपना ले सकते हैं। मैं यहाँ बेसिक सा अपने फाइल मैनेजर से जाके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें रख रखा है। जैसे ही आप अपना सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, आपका जो भी एड्रेस प्रूफ था, एज प्रूफ था, या फादर नेम में जो भी आपकी दिक्कत थी, जो भी आप सुधार करेंगे उससे रिलेटिव आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जैसे ही नेक्स्ट करके आएंगे, यहाँ पर आपसे आपका नाम और आपसे प्लेस पूछा जाएगा कि आप किस जगह से इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। उसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे, नीचे डन की बटन दी गई है, डन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज सक्सेसफुली सबमिट होके आपके सामने कुछ इस तरह का हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं कि जो जो आपने सुधार किया सारा कुछ इसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मैंने सारा चेक कर, देखिए नीचे आपका डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं आप वो भी शो कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया। मैंने एज के लिए अपनी 10 की मार्कशीट लगाई थी, इसलिए देखिए वो सबमिट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसको पूरा डिटेल पढ़ने के बाद कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। ये सारा सुधार करने के बाद आप नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करते ही आपका पेज कुछ देर के लिए रिलोड होगा। उसके बाद आपके पास देखिए इस तरह का कुछ बन के आ जाएगा कि आपका पेज, आपने जो भी फॉर्म फिल किया सक्सेसफुली अपलोड हो गया है या फिर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और इसका रेफरेंस आईडी नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, नीचे रेफरेंस आईडी नंबर दे दिया गया। आप इसको सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा, उसको भी आप रेफरेंस आईडी उसमें भी लिखी रहेगी, आप उसको भी सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही आपका पेज सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब इसके लिए अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो थ्री डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ पे राइट कार्नर लेफ्ट कार्नर में थ्री डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपने इसी मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को ऑनलाइन किया है तो आपको स्टेटस यहीं से चेक कर लेंगे अप्लाइड फॉर्म पर क्लिक करके, नहीं तो अगर आप किसी पहले का किसी और मोबाइल से किए हुए हैं तो यहाँ पर रेफरेंस आईडी डाल के आप चेक कर सकते हैं। मैं इसी फ़ोन से फॉर्म को एडिट किया था या सुधार किया या अपडेट किया था, इसलिए मैं इसी से अप्लाइड फॉर्म पर क्लिक करके देखूंगा। जैसे ही आप अप्लाइड फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका फॉर्म दिखा देगा, फॉर्म टाइप भी लिखा होगा और रेफरेंस आईडी लिखी होगी। रेफरेंस आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का डिटेल्स आएगा। ये आपका रेफरेंस आईडी सबसे ऊपर देगा, नाम देगा, स्टेट देगा और आपका असेंबली जो भी चुनावी क्षेत्र हो उसको दिखाएगा, फॉर्म टाइप दिखाएगा और यहाँ पर दिखाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली इस टाइम पर सबमिट हुआ है। इसके बाद बीएलओ अप्रूवल करेगा, फिर फील्ड अफसर आपको अप्रूवल करके आपका फॉर्म कंप्लीट कर देगा। उसके बाद आप इसी साइट से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सो इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपग्रेड कर पाए होंगे। साथ ही साथ अगर आपका खोया हुआ वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी फाइंड आउट कर पाए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।